नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल हाउस से, जहां पर एक बुरी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। करनाल के घरोंडा के अराईपुरा गांव के रहने वाले एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। किसान का नाम राजेश कुमार बताया जा रहा है, जिनकी उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास बताई जा रही है। पैसों के लेन देन का मामला था। राजेश कुमार ने पैसे लेने थे, तकरीबन 25 से 26 लाख रुपए उन्होंने जो जमीन बेची थी एक प्रॉपर्टी डीलर को, उसको जो जमीन बेची थी उसके पैसे पूरे नहीं आए थे। तो पैसे पूरे नहीं आए थे, जिसको लेकर वो लगातार उस प्रॉपर्टी डीलर से बातचीत कर रहे थे। साथ ही साथ जो अपने परिवार के लोगों के साथ जाकर पंचायत भी कर रहे थे, लेकिन पंचायत कई बार होने के बावजूद उस व्यक्ति ने, जो बताया जा रहा है कि गांव से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति था, रहता घरोंडा था, उसने पैसे देने से इनकार कर दिया था। और जब पैसे देने से इनकार कर दिया था, कल भी एक पंचायत होती है ये बताया जा रहा है गांव के अंदर, लेकिन वहां पर जब पैसे देने से इनकार कर देता है वो व्यक्ति, उसके बाद राजेश कुमार जो किसान है, खेती बाड़ी करते हैं, वो आकर सुसाइड कर लेते हैं। उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या लगते थे आपके और क्या पूरा मामला है। मेरे ससुर जी थे, मैं शामली से हूँ। तो पीछे पैसे का लेन देन था, पंचायत हुई थी, उसमें भी वो मना कर गया कि मैंने कुछ नहीं देना और जो तो कर लो। तो उसमें उसी टेंशन में उन्होंने अपना शाम को जहर पी लिया। खेत में दवाई थी, खेत में ही उन्होंने दवाई पी ली। और उसके बाद उनको कल्पना चावला में लेके आए उनके लड़के मोनू, और यहाँ फिर उनकी कंडीशन उल्टियाँ लगी काफ़ी। कोई पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस को फ़ोन भी किया गया, कोई पुलिस नहीं आई मौके पे। उन्होंने उनके बयान वगैरह लिए गए, उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा थोड़ा, उसमें 26 लाख रुपए लिख रखे उन्होंने दिए हैं, फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी उनका लड़का वहीं गया हुआ है थाने में, घरोंडा थाने में पर्चा दर्ज कराने के लिए। अभी तक भी कोई पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 11 बजने वाले हैं, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कौन व्यक्ति है, किससे पैसे लेने थे, कब जमीन बेची थी? तकरीबन जमीन तो काफी दिनों से दे रखी थी, अभी पंचायत ही चल रही थी, वो लारे लगा रहा था पहले, तो अब दे दूंगा। तो अभी लास्ट में आके जब बिल्कुल ही जवाब दे गया पंचायत में, तो गांव का ही था, देवेंद्र नाम है, सुनो बाबूराम रहता घरोंडा है, और प्रॉपर्टी का ही काम है उसका, डिलीवरी वगैरह का काम करता है। इनका अच्छा जानता था इनको, अच्छे से विश्वास के तौर पर उन्होंने वो कर दिया, और फिर वो लास्ट में धोखा दे गया। फिर कुछ पैसे आ गए थे, 25-26 लाख रुपए रह गए थे, कुछ आए थे बाकी रह गए थे। उन्होंने लड़की की शादी करी थी, दूसरी की, छोटी वाली लड़की की, उसकी शादी में थोड़े पैसे दे दिए थे, बाकी बोला थोड़े दिन बाद दूंगा। वो टेंशन में ले ली इन्होंने, उस टेंशन में इन्होंने फिर सुसाइड करना पड़ा। तो कल पंचायत भी हुई थी, कल दिन में पंचायत हुई थी, और 4-5 बजे के आसपास इन्होंने फिर दवाई पी। उसके बाद इनको घर वालों को पता चला, तो ये लेके आए कल्पना चावल हम लेके आए, शाम हो गया था, उल्टियाँ वगैरह लगी। बाकी इधर से भी पुलिस प्रशासन ने कोई बयान वगैरह कुछ नहीं लिया। उधर से लड़के के पास फोन आया था घरोंडा से पुलिस का, भी हम आ रहे हैं, पर कोई नहीं आया अभी तक। अभी बस यही उम्मीद, प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई करें, उसे अरेस्ट किया जाए जल्दी जल्दी, अपनी कार्रवाई पुलिस प्रशासन करे पूरी। तो आप समझ सकते हैं एक परिवार के लिए कितना मुश्किल भरा समय होता है, क्योंकि परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और एक जो परिवार के सदस्य हैं वो थाने में भी पहुँचे हुए हैं, ताकि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि मामला क्यों जो है वो इतना आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, और वो पैसे देने से क्यों इनकार कर रहा था। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, परिवार के और भी तमाम सदस्य हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कल्पना चावला हॉस्पिटल के मर्चरी हाउस से, जहां पर हमने आपको बताया किस तरह से एक 50 वर्ष के जो व्यक्ति हैं राजेश, जिन्होंने आत्महत्या कर ली। बताया यही जा रहा है कि पैसों के लेन देन का जो है मामला था, जिसके चलते उनको पैसे जो है नहीं मिले, प्रॉपर्टी के पैसे उनको नहीं मिले, जिसके बाद उन्होंने सुसाइड किया, और फिलहाल जो है उनकी कल्पना चावला हॉस्पिटल में जो है मौत हो जाती है। इस वक्त उनके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ मामला सामने आया है, क्या हुआ है? बता ही दिया,
क्या हुआ, क्या था, मतलब कैसे, क्या प्रशासन वगैरह भी नहीं पहुंचा है अभी तक वहाँ पर? प्रशासन तो आया नहीं, सांध का ही आई नहीं, सांध के 10 बजे घर सो रहा है, कोई प्रशासन नहीं आया, जा रहे हैं होटल राय परे था, इसका लड़का जा रहा है, हमारा मूसा लगा था यू, इसका लड़का जा रहा है, साला जा रहा है हमारा, प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा। प्रशासन भी आता है, पूछता है भी क्यों, क्या, कोई नहीं। बल्कि यहाँ के हॉस्पिटल ने उनपे फोन भी किया, वो तब भी नहीं पहुंचे, पुलिस तभी नहीं आई। अच्छा, कल्पना चावला से उनका, बल्कि 2 बार हमारे पास फोन भी आया था कि भाई हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, हम उनकी वेट वेट करके, मतलब अन्यथा तो वो उस समय मतलब ऐसी परिस्थिति में थे कि वो कुछ बयान दे पाते। अच्छा, तो आप अराईपुरा से ही हैं, तो आप तो पूरे मामले को पता होगा आपको? मेरे को तो जितना पता जी, मैंने उनको मतलब बता ही दिया आपको, मैं तो भी जैसा ही मैंने उसने जो लिखी जो दवाई उन्होंने खाई तो उनके साथ आए हम, हमें तो मतलब तो कल पंचायत में गए थे तो मतलब जॉब कर रहे हैं, पैसों के लेन देन का मामला, हाँ यही सुनने में आया जी, पैसे का लेन देन। तो कहीं ना कहीं परिवार द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन ने जो है इस मामले में कोई छानबीन नहीं ली है, परिवार का कोई भी बयान नहीं लिया है। फिलहाल बड़ा सवाल ये ज़रूर है कि ऐसा क्यों हुआ, बयान क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया है, जिन व्यक्ति ने आत्महत्या की है, उन्होंने एक सुसाइड नोट भी मेंशन किया है। सर, सुसाइड नोट आपने पढ़ा होगा, सुसाइड नोट में उन्होंने नेम्स भी मेंशन किए हैं कि किस वजह से, अपना नाम और रीज़न लिख रखा है, 26 लाख रुपए देने हैं जिसकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। उनका नाम शायद लिख नहीं पाए जिन्होंने देने थे, उसी दौरान उनके मौत हो गई, उनके पास उस टाइम मौके पे कोई था भी नहीं शायद, इसीलिए 11 बजे के बाद उनकी मौत हुई है। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या अपील करेंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अभी तक पुलिस ने कोई भी बयान नहीं लिया है? सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जल्द से जल्द कार्रवाई करें, अभी तक पर्चा भी दर्ज नहीं किया, अभी भी वहाँ पर पंचायत और जो मेरा साला है वो अभी भी थाने में गए हुए हैं, अभी पर्चा भी दर्ज नहीं किया अभी तक, और इधर तो आने की बहुत दूर की बात है। हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ। सर, मृतक का नाम क्या था? राजेश। उम्र? उम्र 50-52 साल के आसपास उम्र थी उनकी। अच्छा, और क्या काम किया करते थे? खेती का काम था। तो आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह लगाया जा रहा है कि पुलिस ने जो है अभी तक कोई छानबीन नहीं की है। आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि इस मामले में छानबीन ज़रूर हो सके और जिन लोगों की वजह से आत्महत्या की गई है उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। आपको एक बार मामला पूरा बता दें कि किस तरह से 50 साल के तकरीबन 50 उम्र बताई जा रही है राजेश की, जो कि खेती किया करते थे। उनका उन्होंने प्रॉपर्टी बेची थी, जिसके बाद जो है उनको पैसे नहीं मिले थे, पैसे के लेन देन के चलते वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके थे और जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। जो केमिकल्स, जो भी दवाई खेती में यूज़ इस्तेमाल करते हैं, उस दवाई को लेकर जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उनको इलाज के लिए लेकर आया गया और उसी दौरान उनकी मौत हो गई। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कल्पना चावला हॉस्पिटल के मर्चरी हाउस से। फिलहाल जो है उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी सभी चीज़ें मेंशन करी कि वे सुसाइड क्यों कर रहे हैं। परिवार के लोगों द्वारा ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने जो है इस मामले में अभी कोई छानबीन नहीं करी है और यही अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है सख्त से सख्त कार्रवाई ज़रूर करें। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी जो है, जो राजेश जो कि मृतक हैं, उनकी 2 बेटियां थी, बड़ी बेटी की वह जो है शादी कर चुके थे, छोटी बेटी की उन्होंने शादी करनी थी, तो पैसों का लेन देन का मामला था। कहीं ना कहीं परिवार का जो है हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र, लड़की की जो है यही बताया जा रहा है शादी की थी, अभी परिवार के रो रो कर बुरा हाल ज़रूर है, क्योंकि किस तरह से इन व्यक्ति ने जो है आत्महत्या कर ली। अपील बार बार यही रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के मॉर्चरी हाउस से दिखा रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि परिवार वालों की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है वो गाँव का ही एक व्यक्ति है जिस पर लगाया जा रहा है और पैसों के लेन देन का मामला है। आगे पुलिस की क्या कार्रवाई रहती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ से जो है पोस्टमार्टम करवा कर वो बॉडी
सभी को जो है घरोंडा जो उनका गांव है वहां पर लेकर जाया जाएगा। लेकिन उससे पहले पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक सुसाइड नोट भी उनकी तरफ से छोड़ा गया है जिन्होंने सुसाइड किया है और जहर खाकर यानी कि जो सल्पास है वो खाकर सुसाइड किया है। ऐसे में कार्रवाई बनती है लेकिन पुलिस उससे पहले पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी। लेकिन परिवार वालों का ये भी आरोप है कि जो पुलिस है वो हॉस्पिटल से जब उन्हें कॉल गया था तो वहां पर भी वो नहीं पहुंची थी। एक बार फिर से परिवार वालों से ये जानने का प्रयास करेंगे क्या कार्रवाई की मांग आप करते हैं फिलहाल। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? मांग रेस्ट करो, रेस्ट करो। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा भाई, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा। हम भी सुबह के खड़े हैं, हमारा मोसा लगा था, इनकी राजी जी की लड़की है मेरे भाई का, बड़े का सचिन का, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। लड़का उसका छोटा बेचारा, उन्हें पता नहीं इतना ही गया होगा गोरंडा जा रहा, कोई भी कर नहीं कर रहा प्रशासन कार्रवाई ना कोई। गाँव का तो ऐसी है, वो भी गाँव का ही, वो भी गाँव का ही है। गाँव का तो कोई नींगे की कहने के, नींगे कहने के ना कह सकते गाँव के, तो फर्क पड़ा ही है गाँव राम रहना। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल। तो आप देख सकते हैं कि परिवार के तमाम सदस्य हैं जो यही कह रहे हैं कि फिलहाल पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या गहनता से जांच करती है, क्योंकि 25 से 26 लाख के लेन देन का मामला है। जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया है उनका नाम राजेश बताया जा रहा है, वो घरोंडा के अराईपुरा गांव के रहने वाले हैं और तकरीबन 25 से 26 लाख रुपए उन्होंने गांव के ही एक व्यक्ति से लेने थे। उसे जमीन बेची थी, उसे प्लॉट बेचा था, लेकिन उसके बाद उसने पूरे पैसे नहीं दिए, जिसके बाद लगातार पंचायतें चल रही थी और कल जब पंचायत होती है तो उसमें वो व्यक्ति जिसने पैसे देने थे उसने साफ इनकार कर दिया कि वो पैसे नहीं देगा। जिसके बाद राजेश ने जो 50 साल के आसपास व्यक्ति बताए जा रहे हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया जहर खाकर। सल्फा शेयर कीजिए। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, क्या आरोपी को अरेस्ट किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, क्या उससे पूछताछ की जाती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।